अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप ये मंजर देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जा रहे हैं आगे की जानब, जा रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। सो ये मंजर आप देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम यहाँ अटक का। अभी कटी पहाड़ी की जानब भरा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जा रहे हैं। सो पीछे तक आप देख सकते हैं, एक कसीर तादाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं। अली अमीन गंडा पर मौजूद हैं, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद हैं। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ ये पुलिस की ये चीजें लेकर ये जा रहे हैं। ये देखें जी, ये इस नौजवान के पास भी है। सो आप ये मंजर देख सकते हैं जी, मानो अभी आपको याद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको इज्जत दे। सो ये मंजर है इस टाइम यहाँ का अटक का पाकिस्तान। सोच रहा था कि कब मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सो आप ये देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान जो मुख्तलिफ शहरों से पहुंचे थे, अब आगे इस्लामाबाद की जानब बढ़ा जा रहा है। अब आगे इस्लामाबाद की जानब मूव किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान कुछ पैदल हैं, कुछ मोटरसाइकिलों पे हैं, कुछ गाड़ियों पे हैं। आपको इमरान खान की वो बात याद करनी होगी जब इमरान खान ने कहा था कि मेरे पाकिस्तानियों, आपने निकलना है, आपने अपनी गाड़ियों पे निकलना है, और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपने मोटरसाइकिल पर निकलना है, और अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो आपने पैदल निकलना है। तो आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो अब आगे की जानब बढ़ रहे हैं। जो काफिला है वो अभी काफी पीछे है, लेकिन आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। ये वो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं जो आगे जाके शैलिंग का सामना करते हैं, जो आगे जाके इनकी फस्तायत का, इनके जुल्म का मुकाबला करते हैं। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जा रहे हैं। इस तरफ दिखाएं, अहमद हानियाजी साहब ये एक लंबे अरसे के बाद आए हैं मंजरियाम पर, अहमद हानियाजी साहब, और मुक्का लहराते हुए इमरान खान की तरह ये आगे की जानब बढ़ रहे हैं। 9 मई के बाद फर्स्ट टाइम देखे गए हैं अहमद हानियाजी। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम यहाँ अटक का। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो आगे की जनब जा रहे हैं। हमारा दोस्त आसिफ भी मौजूद है। सो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो काफिला है वो पीछे है। अभी जो आपको साउंड की आवाज आ रही होगी, अभी वो गाड़ी काफी पीछे है, और साथ ही इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी गाड़ी भी साथ मौजूद है। सो आप देख सकते हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ, डंडों के साथ ये जो लोग हैं ये आगे की जानब बढ़ रहे हैं। फसायत का मुकाबला किया गया, शैलिंग का सामना किया गया, भरपूर मुकाबला किया गया। वो दिखा सकते हैं, वर्दियां जो हैं वो लटकाई हुई हैं। ये देखें जी, वर्दियां लटकाई हुई हैं और आगे जा रहे हैं। ये एफसी की है। सो बस बस बस, सो आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे जा रहे हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अटक के मुकाम की, और आगे कटी पहाड़ी का मुकाम है। आगे कटी पहाड़ी के मुकाम पर जाके शैलिंग की जाएगी, एक दफ़ा फिर जुल्म किया जाएगा, एक दफ़ा फिर इन कारकुनान को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह कल भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कारकुनान नहीं रुके, आगे बढ़ते गए। सो ये मंजर है इस टाइम, उस तरफ दिखाएं, पैदल पैदल एक कसीर तादाद में तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं। ये सवाल से हमारे कुछ भाई हैं वो नजर आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या है भाई जान, कैसे हैं? ठीक है। सवाल से यहाँ पहुंचे हैं, मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तैयार हैं आप आगे खान साहब के लिए? तैयार है जी, हम लोग बस फाइनल कॉल के लिए तैयार है। पीछे नहीं हटना? नहीं, पीछे नहीं हट, पीछे नहीं हटना जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कारकुनान के साथ, साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि सबसे लास्ट मोर्चा है, और आज शाम तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको फतह करके इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पर यलगार करेंगे। यलगार इसलिए कहेंगे कि यानी अभी तक जो हमारे साथ सलूक किया गया, फिर उसके बाद बगैर किसी सामान, बगैर किसी टूल्स, बगैर किसी इक्विपमेंट, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। मैं भी हैरान हूँ, जो आज का दिन मैं वर्कर के नाम करता हूँ, क्योंकि जो कुर्बानी वर्कर ने बगैर क़यादत के और बगैर किसी टूल्स के दिए है, ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। जिंदाबाद। ये कह बिल्कुल हैरान, पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं, नहीं नहीं, कश्तियां जला दी हैं। तो
किश्तियाँ जला दी और आगे जो है अगर मौत आ जाए ना तो खुशी खुशी कबूल करेंगे। और हम चाहते हैं वजीर दाखिला को कह दे कि तेल लगा के हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है। वो पीछे आप देख सकते हैं झंडा जहां लहराता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफिला है अली अमीन गंडापुर का, साथ ही इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद हैं और अब जो करकुनान है वो आगे की जानब चलना शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अटक के मुकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाईजान, एक मिनट साइड पे हो जाए, लिखा हुआ है DPO अटक पठान आगे। ये नौजवान क्या लिख रहा है, कैसा लगा, अच्छा कैसा लगा DPO अटक। हाय देखें जी, यहाँ लिखाई की जा रही है, नौजवान ने लिखा है कैसा लगा DPO अटक। और ये देखें DPO अटक पठान आगे। आइए आपको मैं आगे दिखाता हूँ, आगे क्या लिखा है, DPO अटक वेलकम नहीं करोगे। ये लिखा हुआ है DPO अटक वेलकम नहीं करोगे। एक मिनट साइड भी हो जाए, ठीक है। ये तो काफी बड़ा लिखा हुआ है, ये पता नहीं, दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक इंसान और दूसरे पठान। सो उस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, उस तरफ भी लिखाई की गई है, ये अटक का मुकाम है। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ पठान IK 804। सो ये तमाम चीजें DPO अटक के लिए इन लोगों ने लिखी हैं। यहां से दिखाएं वो DPO अटक पठान, ये एक गाड़ी जान DPO अटक पठान आगे। सो लोगों ने DPO अटक को मैसेज दे दिया है कि हम आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहां से दिखाएं, ये अटक का इलाका है। अगर हम नीचे देखें, नीचे कैफेज में बैठ के पठान हमारे भाई नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ ऊपर मौजूद हैं, बहुत फाइट की गई और अब आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे इस टाइम अटक के मुकाम पे? जी जैसे कि आपको पता है कि DPO अटक साहब ने कहा था कि आप लोग पुल क्रॉस करके आ जाए, इतनी इतनी फोर्सेस जो है वो आपका इंतजार कर रही है। जबकि उसको पता नहीं था कि खान साहब ने पहले कहा था कि मैं सिर्फ एक कॉल दूंगा, एक काल से मैं पूरे मुल्क को जम करूंगा। ये तो सिर्फ हमारे KPK का सिर्फ एक साइड का काफिला आ रहा है। आपको पता है हमारा जो साउथ रीजन का काफिला है वो सिपेक से आ रहा है, हजारा का अभी आ रहा है इधर उधर से, अभी तो मुल्क जम भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप अटक की DPO साहब सुन ले, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलूची, ये सब एक हो चुके हैं खान साहब पे। खान साहब से बढ़कर अब हमारे लिए अपना मुल्क भी नहीं है, क्योंकि ये मुल्क तभी हमें अजीज है जब हमारे लिए हमारा लीडर होगा। इस मुल्क को इक्तदार तक, इक्तदार के जो नशे आप लोगों ने लिए हुए ना, उस नशे से उतारने के लिए इस मुल्क के वजीर आजम को इमरान खान को वजीर आजम बनाना होगा। सो इस टाइम मैं अटक के मुकाम पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इमरान खान जिंदाबाद इस तरह लिखाई की गई है। और यहाँ करकुनान कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हम मौजूद हैं, कुछ करकुनान आगे चले गए हैं, बाकी जो करकुनान है वो पीछे मौजूद हैं। करकुनान का कहना है कि हमने आज यहाँ आकर बता दिया कि हमें चैलेंज ना किया जाए। सो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब आगे की जानब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब जा रहे हैं। सो ये जज्बा है, ये जुनून है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये मैं देख रहा हूँ यहाँ लिखा है DPO अटक पठान आगे, क्या कैसा लगा DPO साहब, और इस टाइम अटक के मुकाम पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कोई नहीं रोक सकता है, हम जो है चित्राल से आए, पहाड़ों से, बर्फ पोश पहाड़ों से निकल के यहाँ पहुंचे, हम किसी से नहीं डरते, हम इमरान खान के इश्क में यहाँ पहुंचे, कोई हमें नहीं रोक सकता है। आगे कट्टी पहाड़ी है, आगे जाके हमें बस कंटेनर हटाना है, सामने इस्लामाबाद है, हम इंशाल्लाह आज पहुंचेंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह। लोगों के ये जज्बात देखकर क्या फीलिंग्स हैं और क्या समझती है, अपने मुतालबात बनवा के ही वापस जाना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसीलिए आए और हम अपने घरों तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये काम नहीं होगा। हम इतना ही कहेंगे, हमारा इतना जज्बात है, खान के लिए हम निकल के आएंगे, खान के लिए हम खड़े रहेंगे जब तक खड़े। क्या समझते हैं ये जो कटी पहाड़ी का मुकाम है ये कब तक क्रॉस हो जाएगा,
कितनी फाइट होगी यहाँ पे, क्योंकि कल रात को भी बहुत शेलिंग की गई। इवन के हमने देखा बहुत से पुलिस वाले अपने जो यूनिफॉर्म थे वो भी छोड़कर चले गए, सो क्या कहेंगे आप? जिस तरह आपको पता है हमेशा यहाँ पे यही होता है, हमेशा हमारे साथ जिल्लत करने की कोशिश करते हैं ये, लेकिन हम कभी भी अपना हौसला नहीं हारे हैं, आज भी नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी पेशरफ्त हो रहा है, अभी आ रहे हैं नीचे से, काफी बड़ा काफिला अभी पहुंच रहा है और फाइनल पुशअप करेंगे, फाइनल पुशअप किया जाएगा। सो आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। क्या सूरत हाल होती है, क्या मनाजर होते हैं, क्या जज्बा होता है, क्या जुनून होता है, आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।